पार्लियामेंट के अंदर भारत के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया, भारत के स्टूडेंट्स के साथ में यूक्रेन ने पॉलिटिक्स की और रशिया का साथ भारत फिलहाल नहीं छोड़ेगा। ये स्टेटमेंट सदन में दी हुई स्टेटमेंट है, यानी कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, केवल ये कही सुनी बात नहीं है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स वहां से आकर बातों को बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता पड़ रहा है उनके साथ में यूक्रेन ने क्या किया। ये बात यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज को भी पता है, जो कि इन स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप यूक्रेन को छोड़ो, हमारे यहां पर आओ। यूक्रेन के पॉलिटिशियंस ने ना सिर्फ वहां की जनता को युद्ध के अंदर धकेला, बल्कि भारत के स्टूडेंट्स के साथ में पॉलिटिक्स की है। रोमानिया, हंगरी, जॉर्जिया, पोलैंड, आर्मेनिया से भारत के स्टूडेंट्स के पास ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारे यहां पर आकर क्यों नहीं पढ़ते। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पोर्टल के अंदर भी ये बात बड़े तौर पर डिस्कस की जा रही है कि किस प्रकार से रेसिज्म के चलते भारत के स्टूडेंट्स को वॉर के अंदर घसीटा गया, उनको इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी बात जो इस समय की आ रही है कि रशिया ने जैसे पहले कहा था उसने वो कर दिखाया, उसने भारत के स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया है। शुरू से ही रशिया का यह रवैया था कि यहां से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर निकलें और यहां के लोग यहां से बाहर निकल जाएं ताकि वो जो भी करना चाहते हैं वहां पर कर पाएं। रशिया यूक्रेन की पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ रहे, हम उनकी जनता के साथ हैं, मगर उनकी लीडरशिप ने जो किया है वो आपको जानना जरूरी है। फरवरी के शुरुआत में बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी कि रशिया इन्वेजन करेगा, वहां पर पढ़ने वाले लोगों को भारत ने कह दिया था कि आप वापस आ जाइए। भारत के स्टूडेंट्स के बारे में सब जानते हैं कि वो अपने माता पिता से भी ज्यादा अपनी यूनिवर्सिटी और अपने गुरुओं की बात मानते हैं। इन्वेजन के अंदर जानबूझ के वहां के प्रेसिडेंट ने अपनी यूनिवर्सिटीज के थ्रू भारत के स्टूडेंट्स को यह कहलवाया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उनको बोला कि आपकी क्लास ऑनलाइन नहीं ली जाएगी, आपको यहां रहना पड़ेगा, नहीं तो स्टडीज खराब कर देंगे। विदेश मंत्री ने सदन के अंदर ऑफिशियली कहा है कि वहां की यूनिवर्सिटीज जोर लगा रही थी कि यहां से भारत के स्टूडेंट्स नहीं जाएं। अब ये जो स्टूडेंट्स थे ये बेचारे फंस गए, क्या करें क्या नहीं करें पता नहीं, मगर फिर भी 4000 स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं। ये जो 4000 स्टूडेंट्स थे इन्होंने एम्बेसी के अलर्ट्स की बात मानी और उन्होंने तुरंत देश छोड़ दिया। केवल यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज ने ही नहीं, वहां के जो प्रेसिडेंट ने कहा वो भी भारत के सदन के अंदर रिकॉर्ड के अंदर लाया गया। The signals actually came from the politics of that country. He was publicly saying President Zelensky. यूक्रेन के गैर जिम्मेदार पॉलिटिशियंस ने अपने सिटीजंस को वहां से बाहर निकाला, मगर भारत के स्टूडेंट्स को जानबूझ के रोका। इनको रेल के अंदर चढ़ने नहीं दिया, ट्रेन की सवारी नहीं करने दी, बाहर ही रोक दिया गया। हमारे विदेश मंत्री ने जितनी बात बताई है उससे बिल्कुल साफ हो गया कि यहां से बच्चों को ना सिर्फ यहां तक आने में रोका गया, बल्कि उसके बाद में जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं वो बताती हैं कि इन बच्चों को पोलैंड के अंदर जाने से भी रोका गया था। रशिया दूसरी तरफ से ये चाहता था कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जितने जल्दी यहां से जगह छोड़ दें वो अपने काम कर पाएं, और इसी को रोकने के लिए ये जानबूझकर इंडियन स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। रशिया की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके पास बहुत सारे एम्यूनेशंस हैं, मगर वो जल्दी जल्दी आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि वो कम से कम जान माल का नुकसान करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भारत के साथ में क्या किया जा रहा है। भारत एक स्टेप उठाता है, वो अपने 4 बहुत ही ताकतवर मंत्रियों को भेज देता है, जिसके अंदर एक तो पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी थे। जिन स्टूडेंट्स को जानबूझकर यूक्रेन रोक रहा था, पोलैंड के अंदर आने नहीं दे रहा था, उसके लिए ये करना बहुत जरूरी हो गया था। 50 तरीके के बहाने बनाना कि युद्ध के अंदर ये सिचुएशन है वो सिचुएशन है, सारी फेल हो गई, क्योंकि जाने वालों के अंदर जनरल वीके सिंह भी शामिल थे जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। यूक्रेन के गैर जिम्मेदार पॉलिटिशियंस की कुछ नहीं चली और उन्होंने कहा कि अब मामला कहीं बिगड़ ही ना जाए, मगर ये मामला भारत की तरफ से बिगड़ चुका था। सबको ये उम्मीद थी कि सब यूक्रेन के लिए हाय तोबा मचाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन की पूरी जनता के साथ में भारत की पूरी जनता की संवेदना है, मगर वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत ही घटिया राजनीति कर रहे थे। पुलिस की तरफ से भारतीयों के ऊपर चिली पाउडर का स्प्रे किया गया, कई हवाई फायर किए गए, लाते मारी गई। अगर वहां के पॉलिटिशियंस ऑर्डर देते तो कम से कम ऐसा नहीं होता कि हमारी यहां की महिलाओं को भी बाल पकड़ पकड़ के खींचा गया। और जो बयान भारत के सदन के अंदर विदेश मंत्री ने दिया है उसके अंदर उन्होंने एक ऐसी बात की जिससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारत यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। विदेश मंत्री ने बताया कि वहां की यूनिवर्सिटीज ने हमारे बच्चों के साथ में ये किया, साथ ही के अंदर वहां के प्रेसिडेंट ने ये कहा, मगर उनकी यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लिए। जब उनसे पूछा गया कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य है, इसी वजह से हम इसको आगे डिस्कस नहीं कर रहे। मतलब साफ तौर से ये जो नीयत है यूक्रेन की उसके ऊपर भारत का भरोसा नहीं है, वो हमारे बच्चों के साथ में आगे गलत व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया कि रशिया के साथ में हमारी बातचीत जारी है और रशिया सहयोग कर रहा है ऑपरेशन टू गेट आउट सम स्टूडेंट्स हु आर स्टक इन द साउथ थ्रू द रशिया रूट।
एक एक दो दो करके जो रशियन आर्मी के हाथ भारत के लोग लग रहे हैं उनको रशियन आर्मी खुद डिपोर्ट कर रही है अपने खर्चे के ऊपर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि नेटो के मेंबर बन जाएंगे तो रशिया से हम बचे हुए रहेंगे। इसराइल कौन से नेटो का मेंबर है मगर फिर भी वो अपनी जगह पर टिका हुआ है। देश की ग्रोथ को लेकर इनके जो तौर तरीके हैं उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी है। हमें ये बचा लेगा, हमें वो बचा लेगा। भाई खुद भी कुछ काम करना आता है कि नहीं आता? और हमारे जो बच्चे हैं उनको आपने ढाल बनाया जिसकी सारी की सारी सामने आ रही है असलियत। अभी तक होता यह था कि यूएस और यूरोप इंडिया को बोलता था कि चलिए आप ईरान से तेल मत लीजिए, इससे हमारे रिश्ते बिगड़े हैं, तो ईरान से तेल लेना बंद कर देते थे। अब ये दोबारा प्रेशर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल मत लो, हम ईरान से बात करके आपको तेल दिलवा देंगे। इंडिया की तरफ से देखा जाए तो इन कंट्रीज का कोई स्टैंड है नहीं, ये बार बार बदलते रहते हैं अपने फायदे के लिए। ऊपर से अगर रशिया के साथ में इंडिया के रिलेशंस खराब होते हैं तो रशिया चाइना के और ज्यादा निकट चले जाएगा, जो इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यूएस और यूरोप अंतिम समय के अंदर कैसे भागे हैं यूक्रेन से सबने देख लिया, मगर रशिया कम से कम साथ तो खड़ा रहता है। हम ये चाहते हैं कि वो चाइना से ना मिले, सबसे इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में ज्यादातर स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नई सरकार ने आते ही संज्ञान लिया था और पिछले 6-7 साल के अंदर तकरीबन डबल हो गई है मेडिकल स्टूडेंट्स की सीटें, मगर 70 साल के अंदर जो काम नहीं हुआ उसको बढ़ाने में कुछ समय तो लगेगा आत्मनिर्भर बनने में। जिस हिसाब से भारत स्टैंड ले रहा है, अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, ये भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, सर उठाकर जिएंगे, किसी भी देश के अंदर जाएंगे हमारी कदर होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।